Hello friends, today we are going to discussion on career in arbitration. Yes, एक बहुत अच्छा स्कोप आज के युवाओं के लिए यह है. This is not only for law graduates, but all types of graduate can be a arbitrator. Also a company secretary, chartered accountant, CMA, ICWA and like doctor, like engineer may be an arbitrator. There are no any specified qualification to be an arbitrator. अब हम ये देखते हैं कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे. देखिए, भारत का जो पौराणिक, एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि जो न्यायिक व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी कि वो पूरी की पूरी मध्यस्थम और पंचायत के ऊपर टिकी हुई थी. देश में गांव में बहुत वर्षों तक पुलिस नहीं गई थी. 1980s तक देश में ऐसे बहुत सारे गांव थे जहां पुलिस ही नहीं गई थी और लगभग डिस्प्यूट्स को जो है वो चाहे सिविल नेचर का हो या क्रिमिनल नेचर का हो आपस में मिल करके निपटा लेते थे. तो एक बहुत शानदार व्यवस्था थी. उसके अंतर्गत न तो न्यायालयों का अधिक समय जाया होता था, न पक्षकारों का जो है वो एक तरह से हम यूँ कह सकते हैं कि हरेसमेंट होता था. आर्बिट्रेशन को समझने से पहले हम ये जान लें कि ये आया कहाँ से और वास्तव में है कहाँ क्या. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व को भारत की आर्बिट्रेशन के रूप में एक बहुत बड़ी देन है, जो बाद में आगे चल के यूनाइटेड नेशंस के द्वारा उसको एक अधिनियम के रूप में पारित करने के लिए सदस्य देशों को भेजा गया. 1940 में देश में अंग्रेजी सरकार ने पहली बार एक आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया जो केवल 15 पेजेस का था. जब यूनाइटेड नेशंस ने यह देखा कि बुश और ब्लेयर वार के बाद में जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी अनुपालना ठीक प्रकार से नहीं हो पा रही है, जो ट्रीटी, जो संधियां, जो कॉन्वेंशंस, जो कन्वेंशंस देशों के मध्य आपस में होती थी उनको दूसरे देश फॉलो नहीं करते थे, आर्बिट्रेशन एक ऐसा रास्ता है जो ग्राउंड रूट से लेकर के दो सामान्य व्यक्ति जो गांव में शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके मध्य अगर कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है तो उसको भी निपटा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो या विभिन्न देशों के मध्य किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसको भी निपटा सकता है, और बहुत ईजी प्रोसेस के अंतर्गत जिसकी बाद में आगे चल करके लीगल वैल्यूज भी हो जाती है. तो इतना शानदार तरीका. मैं आपको बता रहा था कि 1940 में जो एक्ट भारत में बनाया था ब्रिटिश सरकार ने वो इस प्रकार का था, जो हमारी पौराणिक व्यवस्थाओं पर आधारित था. गांव में जब विवाद होते थे तो गांव के पंच पटेल आपस में मिलकर के उस डिस्प्यूट को रिजोल्व कर देते थे, और जो निर्णय पंच पटेलों का द्वारा दिया जाता था वो विवादित पक्षकारों को स्वीकार्य होता था, और वो हंसते खेलते उस निर्णय को स्वीकार करते थे और उसी को मानते हुए जो वो आगे चले जाते थे. तो जिस दिन इस प्रकार का कोई निर्णय हो जाता था उस दिन डिस्प्यूट पूरी तरह से समाप्त हो जाता था, और सजा के नाम पर कुछ नहीं, बहुत कम जो है वो, अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा क्राइम किया है या ज़्यादा कुछ किया है तो थोड़ी बहुत सजा का दायरा जो है वो आर्थिक दंड के रूप में या ज़्यादा हो सकता था. सिविल मैटर्स में अब आर्बिट्रेशन बहुत बड़ा महत्व रखने लग गया है. यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जब ये देखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा लॉ लाया जाए जो सभी देशों को आपसी सहमति से स्वीकार्य हो, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की टीम जो है वो पूरे वर्ल्ड में गई और देखा. अंत में जब वो भारत में आई तो भारत में भी सारे कानून उन्होंने खंगाल लिए. लास्ट में यूनाइटेड नेशंस की उस टीम को जाते समय भारत का, जैसा मैंने अभी पहले चर्चा की आपसे, कि एक छोटा सा आर्बिट्रेशन एक्ट जो वो मिला और वो बैठा तो देखा तो उन्होंने वो पढ़ते ही रह गए. बाद में वो टीम यहाँ रुक करके उस पर विस्तृत अनुसंधान किया, वो गांव में गए, गांव के लोगों से पूछा कि कैसे जो है वो आपका डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, आप विवादों का आपस में निपटा लेते हो, पुलिस की, प्रशासन की, कोर्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो इस तरह से जो है आर्बिट्रेशन एक इस तरह की चीज़ है जो कि वास्तव में न केवल पक्षकारों को, पार्टीज़ को राहत देती है, बल्कि न्यायालयों का समय बचता है, पक्षकारों को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से बहुत जो है वो सहायता मिलती है. तो इसके लिए दोस्तों भारत सरकार ने आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 पारित किया, जो वर्तमान में विभिन्न संशोधनों के साथ आज भी लागू है. नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉइंट.
कि हाउ कैन बी मेक अवर कैरियर इन द फील्ड ऑफ आर्बिट्रेशन, मध्यस्थम या पंचायत के क्षेत्र में, सुलह के क्षेत्र में हम किस प्रकार से अपना कैरियर बना सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि कोई भी व्यक्ति आर्बिट्रेटर बन सकता है, इसको एक बहुत छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए घर के सामने गली में आमने और सामने के पड़ोसियों के द्वारा किसी प्रकार का डिस्प्यूट हुआ और वो लड़ने झगड़ने लग गए। कोई तीसरा समझदार व्यक्ति आया, उससे पूछा क्यों लड़ रहे हो भाई, तो वो कह रहा है कि नाली को मेरी तरफ से मत निकालो, वो कह रहा है कि मेरी तरफ से निकालो। मीडिएटर या आर्बिट्रेटर जो है वो आता है और उसको कहता है कि दोनों ही मत लड़ो, आप मेरी बात मानो तो नाली को बीच में से निकाल दो। तो दोनों के सही बात हो गई और वो इस बात पर सहमत हो गए और झगड़ा समाप्त हो गया। इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक माध्यम के रूप से लागू किया गया है, जहां करोड़ों अरबों डॉलर के डिस्प्यूट्स को भी इसी प्रकार से निपटाया जाता है। बट निपटाता कौन है? आर्बिट्रेटर। तो यू कैन बी एन आर्बिट्रेटर, जिस फील्ड का जो व्यक्ति होता है वही आर्बिट्रेटर बन सकता है। जैसे मान लें कि कानूनी विवाद कोई है तो एडवोकेट कैन बी आर्बिट्रेटर, अगर कोई कंपनी का मामला है तो कंपनी सेक्रेटरी कैन बी आर्बिट्रेटर, अगर कोई ऑडिट या लेखा से संबंधित मामला है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी एन आर्बिट्रेटर, अगर सीएमए से संबंधित हो सीएमए हो सकता है, इंजीनियरिंग से संबंधित हो इंजीनियर भी हो सकता है। इसके लिए भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन बनी हुई है। इस समय वर्ल्ड में सिंगापुर, यूके, कनाडा, यूएसए, दूसरी जगह भी जो है वो इस प्रकार की काउंसिल्स बनी हुई है जो इस प्रकार के आर्बिट्रेटर्स का रजिस्ट्रेशन भी करती है। अभी भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन का जो गठन के बारे में प्रावधान दिया गया है वो बता दूं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का एक जज चेयरपर्सन होता है और तीन अन्य सदस्य जो शिक्षाविद या दूसरे लोग होते हैं केंद्रीय या राज्य सरकार की सहमति से उनको सदस्य बनाया जाता है और ये बहुमत से निर्णय देते हैं। आर्बिट्रेशन में एक बहुत सामान्य सी प्रक्रिया आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत दी गई है। थोड़ी सी जानकारी आप इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में कर लें और जब भी आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा आर्बिट्रेशन में कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। कोर्ट भी आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकती है, सरकार भी आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकती है, प्राइवेट व्यक्ति या कोई कंपनी भी आर्बिट्रेटर आपको नियुक्त कर सकती है। इस समय पूरे विश्व स्तर पर जो वाणिज्यिक विवाद हैं उनका निपटान अधिकतम जो है वो आर्बिट्रेटर्स के द्वारा किया जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि आर्बिट्रेटर से हमें मिलने से फ़ायदा क्या, कहीं हवन करने से हाथ तो नहीं जल जाएं या बिना किसी रेमुनरेशन के हम कैसे कार्य करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आर्बिट्रेशन में आजकल जो काम कर रहे हैं हमारे एडवोकेट्स बहुत तेज़ी से, इसमें जो है वो लॉ ग्रेजुएट्स बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व हो रहे हैं, दूसरे लोग भी हो रहे हैं। तो वो लोग कमीशन बेस पे काम करते हैं कि जब दो पक्षकारों का डिस्प्यूट रिजोल्व हो जाएगा तो इतनी राशि जो है वो उनको एक कमीशन के या रेमुनरेशन के रूप में दी जाएगी। तो हर व्यक्ति जो वो अच्छा आजकल तो सारा का सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, आप घर पे बैठ के लैपटॉप पे बैठ के मध्यस्थम या सुलह संबंधित कार्रवाई कर सकते हैं, पंचायत संबंधी कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक्ट के अंतर्गत आपको कुछ नहीं जो है वो केवल अवार्ड पारित करना होता है और उस अवार्ड से पक्षकार सहमत है तो ठीक है, नहीं तो वो कोर्ट जाना चाहे तो बाद में कोर्ट जाने के लिए भी स्वतंत्र है। आर्बिट्रेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि अगर वो कोर्ट में चला गया तो आर्बिट्रेटर से नहीं निपटाएंगे, बीच में भी वो आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं। तो आजकल हर व्यक्ति जो वो आर्बिट्रेटर ढूंढ रहा है और अपने विवादों को जो वो कोर्ट में नहीं घसीट करके और बिना किसी आर्थिक, सामाजिक, मानसिक परेशानी के वो अपना एक आर्बिट्रेटर, जब कोई भी एग्रीमेंट होता है तो एग्रीमेंट में भी आर्बिट्रेशन क्लोज लिखा जा सकता है कि किस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर बनाया जाएगा, किस संस्था को या कंपनी को आर्बिट्रेटर बनाया जा सकेगा, जब भी भविष्य में डिस्प्यूट होंगे तो हम उससे निपटवा सकेंगे। तो अब देखिए कि इतना वाइड स्कोप है कि कोई भी व्यक्ति जिस फील्ड से संबंधित है उस फील्ड में वो आर्बिट्रेटर के रूप में बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है। तो इसके लिए आजकल आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, बहुत सारे रोज़गार के जनरेशन जो है वो इसमें हो रही है। तो जहाँ भी, और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि सामान्यतः जो इंडियन लॉयर्स है वो भारतवर्ष में ही वकालत कर सकते हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन जा कर के या फिजिकली भी जा कर के इस प्रकार के विवादों का निस्तारण करके एक अच्छी भली कमाई जो है वो कर सकते हैं। जब आपकी कमाई प्रारंभ हो जाती है, जब क्लाइंटेज आपके पास आने लग जाते हैं तो बहुत अधिक इनकम जो इसमें हो सकती है। तो एक स्वतंत्र आर्बिट्रेटर के रूप में आप अपना करियर प्रारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा इनबॉक्स में ज़रूर कॉमेंट करें। थैंक यू सो मच।